भारत भूमि पर आज भी ऐसे हजारों मंदिर मौजूद हैं, जहां चमत्कार होते हैं जो भक्तों के विश्वास और आस्था को और भी दृढ़ करने में सहायक होते हैं। आपने भी कई चमत्कारों के बारे में पढ़ा या सुना होगा, परंतु कभी आपने सुना है कि किसी मंदिर में देवी प्रतिमा रजस्वला होती है? अगर नहीं तो आइए आज हम बताते हैं आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में जहां देवी के रजस्वला होने के सबूत प्राप्त होते हैं। यह जगह है कामाख्या देवी मंदिर। यह मंदिर असम के गुवाहाटी से करीब 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी दुर्गा या माँ अम्बे की कोई मूर्ति या चित्र आपको दिखाई नहीं देगा, बल्कि मंदिर में एक कुंड बना है जो कि हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड में हमेशा ही जल निकलता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग के या होने से माता या रजस्वला भी होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी सती ने यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, तब भगवान शिव ने माता सती का जला हुआ शरीर लेकर पूरे संसार में भ्रमण किया, जिसके कारण उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। तब स्थिति को संभालने के लिए श्रीहरि ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के पार्थिव अंग काटना शुरू किए और धरती पर जिन 52 स्थानों पर देवी सती के श्री अंग गिरे, वहीं पर 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। माना जाता है कि नीलांचल पर्वत पर माता की योनि गिरी थी, जिसके कारण यहां कामाख्या देवी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। ऐसी मान्यता है कि माता की योनि नीचे गिरकर एक विग्रह में परिवर्तित हो गई, जो आज भी मंदिर में विराजमान है और जिससे आज भी माता की वह प्रतिमा रजस्वला होती है। हर वर्ष जब माता रजस्वला होती है, तब यहाँ अम्बुवाची का मेले का आयोजन किया जाता है। उन दिनों माता भगवती के मंदिर के द्वार स्वतः ही बंद हो जाते हैं। यह 3 दिन चलता है और उन तीनों दिनों में समस्त गुवाहाटी में ना तो कोई मंगल कार्य होता है, ना ही कोई मंदिर खुलता है। इसके बाद 4th दिन कामाख्या देवी की मूर्ति का स्नान कराकर, वैदिक अनुष्ठान और आदि चीजें कराकर मंदिर को जनमानस के दर्शन हेतु पुनः खोल दिया जाता है। यह मंदिर अपने आप में अनोखा है और संपूर्ण जगत में ऐसा चमत्कार और ऐसी पूजा पद्धति कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। अम्बुबाची मेले के दौरान यहाँ बहुत ही अनोखा और चमत्कारिक प्रसाद भक्तों को मिलता है, जो है लाल रंग का गीला वस्त्र। बताया जाता है कि देवी के रजस्वला होने से पूर्व माता कामाख्या की प्रतिमा के आसपास सूखा सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है, लेकिन 3 दिन बाद जब कपाट खोले जाते हैं और यह वस्त्र माता की रज के कारण रक्त जैसे लाल हो जाते हैं और इस दिन प्रसादी वस्त्र को अम्बुवाची वस्त्र कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस वस्त्र को धारण करके शक्ति की उपासना करने से सिद्धि सुलभता से प्राप्त हो जाती है और हर वर्ष इस अम्बुवाची मेले के दौरान पास ही में बह रही ब्रह्मपुत्र नदी का जल भी लाल रंग का हो जाता है, जो कि कामाख्या देवी के रजस्वला को दर्शाता है। इन दिनों इस नदी में स्नान करना भी वर्जित माना जाता है। तो आइए जानते हैं इस कामाख्या माता के मंदिर तक कैसे पहुंचा जाए। तो जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी के पास स्थित है, तो सबसे पहले आपको गुवाहाटी पहुंचना होगा और इसके बाद यहां से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी मंदिर है। यहां आने के लिए आप 3 मार्गों का चयन कर सकते हैं। हवाई मार्ग, सिटी गुवाहाटी में गोपीनाथ बोरदोलई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। यह एयरपोर्ट गुवाहाटी सिटी से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और यह भारत के अन्य बड़े शहरों से हवाई मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। इसके बाद आप टैक्सी, कैब या बस की सहायता से कामाख्या मंदिर पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग, यहाँ माता कामाख्या के नाम से प्रसिद्ध कामाख्या रेलवे स्टेशन है, जो गुवाहाटी सिटी का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और कामाख्या मंदिर के सबसे नजदीक है। सड़क मार्ग, सिटी गुवाहाटी में ISBT बस स्टॉप है, जो आसपास के शहरों से जुड़ा है और साथ ही साथ अन्य राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।